हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ ये टॉपिक फार्मा कोग्नोसी का है एंड ये टॉपिक है अल्कलोइड्स तो इस टॉपिक पे हर बार क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फार्मा कोगनोसी में से तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो पहला क्वेश्चन है लेबरमैन वर्चार्ड रियजेंटेज तो इसकी हमें कंपोजिशन बतानी है तो इसमें कंपोजिशन पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं अल्कोलोट में से तो ये फर्स्ट रिएजेंट जो इस क्वेश्चन में है लिवरमैन बुरचार्ड रिएजेंट तो इसकी कंपोजिशन होती है इसमें एसेटिक एनहाइड्राइड होता है एंड कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर ये कंपोजिशन होती है लिवरमैन बुरचार्ड रिएजेंट की तो इसके अलावा और बहुत से ऐसे रिएजेंट हैं जैसे कि वैगनार्स रिएजेंट मेयर्स रिएजेंट ड्रैगन रिएजेंट तो ऐसे बहुत सारे रिएजेंट हैं तो इनकी कंपोजिशन पे बहुत बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए और ये सारे जो अदर रिएजेंट्स आएंगे उनमें नेक्स्ट क्वेश्चन में वो डिस्कस किए जाएंगे तो चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंपाउंड अंडरगोज अलडोल कंडेंसेशन ड्यूरिंग इट्स वायो तो ऐसा कौन सा कंपाउंड uh, है जो अल्डोल कन्डेंजेशन जिसकी होती है जब उसकी बायोसिंथेसिस हो रही होती है तो वो अल्डोल कंडनजेशन के प्रोसेस में जाता है तो जो हमारा एल हायोसाइमिन होता है ट्रोपिन अल्कोलोइड्स का ये इम्पोर्टेंट केमिकल कंस्टेंट है तो ये हमारा अल्डोल कंडनजेशन होती है इसमें जब ये बायोसिंथेसिस इसकी हो रही होती है दे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेक्स वेसल्स आर प्रेजेंट इन फ्लोइंग ऑफ विच ड्रग अब इसमें हमें माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो यह लेटेक्स वेसल्स फ्लोइम के किस ड्रग के फ्लोइम में प्रेजेंट रहते हैं तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं लोबेलिया में लोबेलिया में हमें लेटेक्स वेसल्स देखने को मिलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अल्कोलोइ्स आर लिक्विड एंड वॉलेटाइल इन नेचर तो इनमें से कौन से अल्कलोइड्स लिक्विड एंड वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं तो इनमें लिक्विड एंड वॉलेटाइल की बात करूं तो ये हमारा आता है निकोटिन एंड कोनिन निकोटिन एंड कोनिन इसमें हमारे लिक्विड एंड वॉलेटाइल इन नेचर रहते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द डिग्री ऑफ बेसिसिटी ऑफ अल्कलोइड्स मोस्टली डिपेंड अपॉन द इन्फ्लुएंस कॉज ड्यू टू तो जो अल्कोलोइड की बेसिसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है तो ये हमारी डिपेंड करती है जो भी उसमें नाइट्रोजन एटम होता है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेटस पे ये डिपेंड करती है क्योंकि जो हमारे अल्कोलोइड्स हैं उसमें जो मेन नेचर आता है उसमें नाइट्रोजन होता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हीरोइन इज तो हीरोइन का हमें अदर नाम बोल सकते हैं या उसका केमिकल नेम क्या होता है तो हीरोइन हमारा डाई एसे मोर्फिन होता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ड्रग कंटेन कीनाजोलिन अल्कोलोइड तो इनमें से किस ड्रग में कीनाजोलिन अल्कलोइड होता है तो जो हमारा वैसा है इसमें कीनाजोलिन अल्कोलोइड रहता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स में ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टीरोडल अल्कोलोइड तो इनमें से किसमें स्टीरोडल अल्कोलोइड नहीं होता है तो अश्वगंधा में हमारा विथेनोलाइड रहता है कुर्ची में भी होता है विराटरम में भी स्टीरोडल अल्कोलोइड रहता है लेकिन एफेड्रा में स्टेरॉइडल अल्कलॉइड नहीं होता है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है टी शेप ट्राइकॉम्स आर प्रेजेंट इन तो टी शेप के ट्राइकॉम्स किस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं तो जो हमारा पाइरेथ्रम होता है उसमें टी शेप के ट्राइकॉम्स रहते हैं ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बैगनर रिएजेंट कंटेन्स तो इसमें हमें वैगना रिएजेंट की कंपोजिशन बतानी है तो वैगनर रिएजेंट में आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड वाटर ये इसकी कंपोजिशन रहती है बैगना रिएजेंट की नेक्स्ट आता है हमारा मेयर्स रिएजेंट कंटेन्स तो मेयर्स रिएजेंट की कंपोजिशन हमारी रहती है इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर ये रहती है मेयर्स रिएजेंट की एंड नेक्स्ट uh, हमारा आता है ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट तो ड्रैगन डॉव्स रीजेंट जो है वो हमारा कंटेन करता है पोटेशियम आयोडाइड एंड बिस्मथ आयोडाइड तो ये तीनों ही जो रिएजेंट हैं इनकी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है म्यूरेक्साइड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट तो जो हमारा म्यूरेक्साइड टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज होता है तो जो हमारे सीडो अल्कलोइ्स होते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए यूज होता है तो उसमें हमारा आता है कैफीन कैफीन हमारा एक सीडो अल्कोलोइड है और इसी की कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए न्यूरक्साइड टेस्ट यूज होता है दे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिटाली मोरिन रिएक्शन इज फोर तो बिटाली मोरिन रिएक्शन बोल सकते हैं या टेस्ट बोल सकते हैं हम बिटाली मोरिन टेस्ट किसके लिए यूज होता है तो बिटाली टेस्ट ट्रोपेन अल्कोलोइड्स के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है तो दतूरा स्ट्रामोनियम एंड डुबिया ये तीनों ही हमारे ट्रोपेन अल्कोलोइड में आते हैं तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अब द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग टाइप तो इसमें हमें अल्कोलोइड्स एक साइड पे अल्कोलोइड दिए हुए हैं और दूसरी साइड पे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स उसके दिए हुए हैं तो हमें इनको मैच करना है अल्कोलोइड को केमिकल कंस्टिट्यूएंट से तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है सिंकोना तो सिंकोना के लिए जो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा वो रहेगा क्यूनिन क्यूनिन जो है वो एक्टिव कंस्टिटेंट रहता है सिंकोना में ओपीएम की बात करें तो ओपीएम में हमारा मोरफिन रहता है देन एरगट की बात करें तो एरगट का तो सिंपल है एर्गोमेट्रिन इसका नाम से पता लग जाता है देन डी आता है हमारा रोवोल्फिया रोवोल्फिया में हमारा रहता है रिसर्पिन एंड नक्स वोमिका में हमारा रहता है स्ट्रिकनिन जो एट्रोपिन होता है वो हमारा ट्रोपेन एल्कोलोइ्स में आता है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए दे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बेसिक न्यूक्लियस बताना है हर्बल ड्रग्स में तो फर्स्ट हमारा न्यूक्लियस है ट्रोपेन तो ट्रोपेन हमारा आता है कोकेन में कोकेन में जो बेसिक न्यूक्लियस होता है वो ट्रोपेन होता है जो क्यूनोलिन क्यूनोलिन न्यूक्लियस रहता है वो हमारा क्यूनिन में रहता है आइसोक्यूनोलिन जो हमारा रहता है वो हमारा एमेटिन में रहता है जो हमारा इमिडाजोल होता है वो हमारा पिलोकार्पिन में होता है एंड प्यूरिन जो होता है वो हमारा कैफीन में होता है तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी दे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ड्रग हर्बल ड्रग का नाम दिया हुआ है एंड राइट साइड पे हमें उसकी फैमिली बतानी है फैमिली राइट फैमिली से इसको मैच करना है तो अगर हम पहला देखेंगे सिंकोना तो सिंकोना की फैमिली होती है हमारी रूबीएससी तो ये चला जाएगा नंबर फाइव पे। ओ की बात करें तो ओ की हमारी रहती है पापा बरेसी ऑप्शन नंबर वन पे चला जाएगा तो अभी हमारा ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया है एरगट की बात करें तो एरगट जो हमारा रहता है वो ग्रामीण उसकी फैमिली रहती है फिर उसके इसमें सी भी हमारा कैंसिल हो गया देन हमारा रो वोल्फिया आता है तो रो वोल्फिया में हमारा एपोसाइन एसी आती है एंड देन नेक्स्ट बोमिका लोगानीएसी तो इस हिसाब से हमारा जो राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें हमें स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है एंड हमें बताना है कि ये किस टाइप के अल्कोलोइड्स की बायोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है तो जो हमारा फर्स्ट आता है ट्रिप्टो फैन हमारा इंडोल अल्कोलोइ्स की बायोसिंथेसिस के लिए होता है ऑर्निथिन की बात करें तो ऑर्निथिन हमारा ट्रोपेन अल्कोलोइड्स के लिए देन टाइरोसिन की बात करें तो टाइरोसिन हमारा आइसोक्यूनोलिन अल्कोलोइड्स के लिए लाइसिन हमारा आता है पाइप्रीडिन अल्कोलोइड्स के लिए एंड एंथ्रिलिक एसिड क्यूनोलिन अल्कोलोइ्स के लिए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द वायो सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ अल्कोलोइड्स तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग इसमें हमें अल्कलोइट्स का दिया हुआ है एंड उसकी हमें क्लास बतानी है किस क्लास में वो अल्कोलोइ्स आते हैं तो हमारा फर्स्ट आता है एक्ोनाइट तो एक्नाइट जो है वो डाइटरपिन क्लास में आता है देन हमारा आता है एफेड्रिन तो एफेड्रिन हमारा माइनो अल्कोलोइड्स या फिर सीडो अल्कोलोइड्स हम बोलते हैं जिनको उस क्लास में आता है लोवेलिन हमारा आता है पाइप्रिडिन में एर्गोमेट्रिन हमारा आता है इंडोल में एंड हाइग्रिन uh, हमारा आता है पायरोडिन में तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए द नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पिलोकार्पिन कंटेंस डैश बेसिक मोइटी तो कौन सी बेसिक मोइटी होती है हमारे पिलोकार्पिन में तो पिलोकार्पिन में इमिडाजोल इमिडाजोल कैटेगरी में आता है पिलोकार्पिन हमारा तो इसमें जो बेसिक मोइटी हमें देखने को मिलती है वो है इमिडाजोल द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टीरोडल अल्कोलोइड्स तो इनमें से कौन सा स्टीरोडल अल्कोलोइड में आता है तो स्टीरोडल अल्कोलोइड का हमने पहले भी देखा था तो उसमें हमने कुर्ची विराटरम एंड अश्वगंधा ये तीनों हमने देख लिए थे स्टीरोडल ड्रग हैं ये तो इस क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विनका जो हमारा विनका होता है वो किस कैटेगरी में आता है तो विनका हमारा इंडोल एल्कोलोइड की कैटेगरी में आता है दे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एल्कोलोइड इज यूज टू ट्रीट माइग्रेन तो माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग हमारा रहता है तो माइग्रेन के लिए एर्गट मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो ये क्वेश्चन कि एर्गट जो है उसका जो मेन यूज है वो माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए ये रहता है द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विसाका कंटेन्स विच बेसिक मोइटी तो विसाका में कौन सी बेसिक मोइटी रहती है तो बैसाखा में हमारी किनोजोलिन बेसिक मोइटी रहती है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right हो जाएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रोपेन अल्कोलोइड तो इनमें से कौन सा ट्रोपेन अल्कोलोइड नहीं है तो हमारा कोका दतूरा एंड डबोइस ये तीनों ही हमारे ट्रोपेन अल्कोलोइड हैं वर्वेरिस जो है वो ट्रोपेन अल्कोलोइड नहीं है द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोल अल्कोलोइड तो इनमें से कौन सा इंडोल अल्कोलोइड नहीं है तो इसमें विनका रोवोल्फिया एंड नक्स बोमिका ये तीनों ही हमारे इंडोल अल्कोलोइड्स हैं लेकिन अरेका इंडोल अल्कोलोइड नहीं है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोटोअल्कोलोइड प्रोटो अल्कोलोइड किसे कहते हैं प्रोटोअल्कोलोइड यानी कि सीडो अल्कोलोइड या फिर अमाइनो अल्कोलोइड्स ये तीन नाम से अल्कोलोइड रहते हैं तो जो हमारा एफेड्रा कोल्चिकम एंड एकोनाइट ये तीनों ही हमारे अमाइनो अमाइनोअल्कोलॉइड या फिर प्रोटो प्रोटोअल्कोलॉयड जिनको हम कहते हैं वो हैं तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड कोर्क इज करेक्टरिस्टिक ऑफ तो स्ट्रेटिफाइड कोर्क किस ड्रग की करेक्टरिस्टिक है तो ये हमारी रोवोल्फिया में स्ट्रेटिफाइड कोर्क हमें देखने को मिलती हैं जब हम इसकी माइक्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो उसमें हमें रो वोल्फिया में स्ट्रेटिफाइड कोर्स देखने को मिलती हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सीडोपेरनकाइमा इज़ फाउंड इन सीडो पेरनकाइमा किस में पाया जाता है तो ये एर्गेट में देखा जाता है तो ऑप्शन ए एर्गेट इसका राइट right आंसर हो जाएगा तो एर्गट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं तो एर्गेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग रहता है द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंडल्स ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट इज आइडेंटिफिकेशन करेक्टर ऑफ तो जो हमारे बंडल्स होते हैं एसिकुलर क्रिस्टल के वो भी कैल्शियम ऑक्जिलेट के ठीक है तो वो किसके आइडेंटिफिकेशन करेक्टर्स होते हैं मतलब किसकी माइक्रोस्कोपी में हम देख के बता सकते हैं कि अगर उसमें हमें एसिकुलर क्रिस्टल के बंडल्स दिख जाएंगे कैल्शियम ऑक्जलेट के तो हम बता सकते हैं कि ये ये वाला ड्रग है तो बोर्ड रग हमें देखने को मिलता है अर्जेनिया मेरिटीमा में जिसको हम स्क्विल बोलते हैं एंड इसी में एक नाम आ रहा है एलेंथस ग्लैंडलोसा इसको हम ट्री ऑफ हेवन इसको हम बोलते हैं ट्री ऑफ हेवन तो ये क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है कि एलियंथस ग्लैंडलोसा का अदर नाम क्या है तो उसका नाम है ट्री ऑफ हेवन कहा जाता है एलियंथस ग्लैंडलोसा को एंड स्क्ल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है तो वो आ जाता है अर्जेनिया मैरिटीमा द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एट्रोपा बेलोडोना कंटेन्स डैश टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स तो एट्रोपा वेलोडोना में हमारे हमें किस टाइप के कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं तो ये हमें देखने को मिलते हैं माइक्रोसफेनोइड माइक्रोसेफेनोड टाइप के कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स हमें एट्रोपा वेलोडोना में देखने को मिलते हैं जो कि एक ट्रोपियन अल्कोलॉइड है द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ तो हमें रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स किस ड्रग में देखने को मिलते हैं किसके वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं तो जो हमारा कुर्ची वार्क है जिसमें हमारा स्टीरोइडल केमिकल कंस्टेंट भी आता है तो उसमें हमें रोम्बोहैड्रल क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ऑल आर टाइरोसिन डिराइव्ड अल्कोलोइड्स एक्सेप्ट तो इनमें सारे ही अल्कोलोइड डिराइव्ड अल्कोलोइड्स हैं टायरोसिन डिराइव्ड अल्कोलोइड्स हैं सिर्फ एक को ट्राई करना है तो इसमें जो हमारा हाइड्रास्टिन है ऑप्शन डी वो हमारा टायरोसिन से डिराइव नहीं होता है दे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एनिसोसाइटिक स्टोमेटा इज प्रजेंट इन तो हमें एनिसोसाइटिक स्टोमेटा कहाँ किस में देखने को मिलते हैं तो ये हमें वेलेडोना में देखने को मिलते हैं तो ये क्वेश्चन भी स्टोमेटा के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे इस वीडियो में जो भी स्टोमेटा के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो सारे ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे दे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है माँ हुआ इज सिने ऑफ तो माँ किसका अनदर नाम है तो एफेड्रा का अनदर नाम है माँ देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डायसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन तो हमारे डायसाइटिक स्टोमेटा किस में प्रेजेंट होते हैं तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं बेसाका में बेसाका में हमें देखने को मिलते हैं डायसाइटिक स्टोमेटा और इससे पहले हमने एनिसोसाइटिक स्टोमेटा के बारे में देखा तो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा हमारा बेलाडोना में देखने को मिलता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ओपीएम ऑफ मॉर्फिन तो ओपीएम में कितना परसेंट मॉर्फिन रहता है तो ओपीएम में हमारा अराउंड नाइन परसेंट मॉर्फिन प्रेजेंट होता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नक्स वॉमिका इज बायोलॉजिकली ऑप्टेन फ्रॉम तो नक्स वॉमिका किससे ऑप्टेन होता है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है नक्स वॉमिका का तो नक्स वॉमिका हमारा एक तो सीड हमें याद रखना है कि नक्स वॉमिका सीड से ऑप्टेन होता है एंड बोटेनिकल नेम हमें याद रखना है स्ट्रिकनेस नक्स बॉमिका इससे ये ऑप्टेन होता है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट फ्रॉम लिलिए फैमिली तो लिलियसी फैमिली इनमें से किस ड्रग की नहीं है ये हमें बताना है तो इसमें कोलचिकम हम देखें अलोए देखें स्किलिया तो ये तीनों में ही जो फैमिली आती है वो हमारी आती है लिलिएसी लेकिन कुर्ची में हमारी जो फैमिली है वो लिलिएसी नहीं रहती है कुर्ची में हमारी जो फैमिली होती है वो होती है एपोसाइनेसी एपोसाइनेसी ये कुर्ची में कुर्ची की फैमिली है एंड सोर्स की बात करें तो कुर्ची स्टेम वाग से ऑप्टेन होती है होलार हैना एंटी डिसेंट्रिका से एंड कॉनेसिन इसका इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूंट है द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम एपोसाइनेसी फैमिली तो इनमें से कौन सा एपोसाइनेसी फैमिली का नहीं है तो इनमें से जो हमारा नक्स बोमिका है वो एपोसाइनेसी फैमिली का नहीं है बाकी सारे जिनकी भी हम बात करें चाहे वो स्टोफेंथस है या बिनका है ये सारे ही हमारे अपोसाइनेसी फैमिली के हैं नक्स भूमिका की बात करें तो नक्स भूमिका हमारा आता है लोगानिएसी फैमिली से ठीक है लोगानियासी फैमिली एंड स्ट्रिकनेस नक्स भूमिका सीड से ये उपटीन होता है ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया है देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मिथाइल अमाइनो वीहाइड इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ तो ये केमिकल टेस्ट है इसके लिए अल्कलोट्स के लिए तो इसकी केमिकल मतलब ये इसका जो नाम है वो क्या नाम है वो हमें बताना है इसमें तो जो हमारा बैनर्कस रिएजेंट है जो कि हमारा एरगेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है तो उसमें कंपोजिशन वेनर क्रिएजन की रहती है अमाइनो मिथाइल अमाइनोवेंजलडीहाइड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पिक्रिक एसिड इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ तो पिक्रिक एसिड किसकी केमिकल कंपोजिशन है तो इनमें अगर हम बात करें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वेनर क्रिएजेंट तो इसकी कंपोजिशन तो आ जाती है हमारी पैराडाइमिथाइल अमाइनो अमाइनोवेंजलडी तो ये आगे इसकी हमने मेयर्स रिएजेंट की ऑलरेडी देख ली है मेयर्स रिएजेंट की आती है हमारी मरकरी क्लोराइड ठीक है मर्करिक क्लोराइड एंड जो हमारा हैगर्स रिएजेंट है उसी की कंपोजिशन रहती है हमारी पिकरिक एसिड वैगनर्स रिएजेंट की बात करें तो वैगनर्स रिएजेंट हमारा आता है आयोडीन प्लस के आई वाटर ठीक है ये इसकी वैग्नार्थ रिएजेंट की कंपोजिशन रहती है देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरोड इनमें से कौन सा स्टीरोडल अल्कोलोइड है तो जो हमारा ऑप्शन बी है सोलनेडेन ये हमारा स्टीरोडल अल्कोलोइड है देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज डाइटर्पिन क्लास अल्कलोइड तो इनमें से कौन सा हमारा डाइटर्पिन क्लास का अल्कलोइड है तो जो हमारा एक्नाइट होता है ये हमने मैथ द फॉलोइंग वाले में भी देखा था कि एक्वाइट हमारा डाइटर्पिन क्लास में आता है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right हो जाएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरोडल ग्लाइको अल्कोलोइड हमें स्टीरोडल ग्लाइको अल्कोलोइड के एग्जाम्पल बताना है जिसमें स्टीरोडल स्ट्रक्चर भी होता है वो ग्लाइकोसाइड में भी आता है एंड अल्कोलोइड में भी आता है तो वो हमारा आता है सोलोनम देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है थेलेक्विन टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई थैलेक्विन टेस्ट हम किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो ये हम सिंकोना की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है वो है थेलेक्विइन नेक्स्ट क्वेश्चन है when test is used to identify, when test हमारा किसके लिए होता है एयरगेट के लिए एंड इसकी कंपोजिशन क्या है next question पे भी move करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इंडोल आर सिंथेसाइज फ्रॉम तो इंडोल किससे सिंथेसाइज होते हैं ठीक है इनका स्टार्टिंग मटीरियल क्या है तो जो हमारा ट्रिप्टोफैन रहता है ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड उससे इंडोल अल्कोलोइ सिंथेसाइज होते हैं दे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कीनोलिन अल्कोलोइ्स आर सिंथिसाइज फ्रॉम तो किनोलिन अल्कोलोइ्स किससे सिंथेसाइज होते हैं तो ये हमारे सिंथेसाइज होते हैं एंथरनेलिक एसिड से तो स्टार्टिंग मटीरियल वाला हमने एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में भी कर लिया था तो उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टिंग मटीरियल हमने देख लिए थे उसमें तो उसमें से कुछ यहाँ पे भी आ जाएंगे इन क्वेश्चंस में से तो एंड आगे भी आपको देखने को मिलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्रोपिन इज वायोसिंथिसाइज फ्रॉम विच अमाइनो एसिड तो जो हमारा एट्रोपिन होता है वो हमारा किस अमाइनो एसिड से बायोसिंथिसाइज हम कर सकते हैं तो ये हमारा एक तो ऑर्निथिन से ये बायोसिंथिसाइज होता है फिनाइल एलानिन एंड मिथियोनिन इन तीनों से हम एट्रोपिन जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है दे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मॉर्फिन इज़ बायोजेनेटिकली डिराइव फ्रॉम मॉर्फिन हमारा जेनेटिकली या सिंथेसाइज किस अमाइनो एसिड से होता है तो हमारा जो टायरोसिन है टाइरोसिन अमाइनो एसिड उससे हम उससे मॉर्फिन जो है वो सिंथेसाइज होता है दैन नेक्स्ट आता है एफेड्रीन इज डिराइव फ्रॉम एफेड्रीन किससे डिराइव होता है तो एफेड्रीन हमारा फिनाइल एलिन से डिराइव होता है देन ट्रोपेनल कोलोइ्स आर वायोसिंथिस फ्रॉम ट्रोपेनल कोलोइड्स किससे बायोसिंथेसाइज होते हैं ऑर्निथिन से ये बायोसिंथेसाइज होते हैं देन नेक्स्ट आता है हमारा निकोटिन इज वायोसिंथिसाइज फ्रॉम तो निकोटिन किससे बायोसिंथेसाइज होता है तो ये हमारा बायोसिंथेसाइज होता है ऑर्निथिन से एंड इसके साथ साथ ये हमारा अर्जिनिन से भी अर्जिनिन से भी बायोसिंथेसाइज होता है निकोटिन और निथिन एंड अर्जिनिन द नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पापावरिन इज बायोजेनेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम पापावरिन बायोजेनेटिकली किससे डिराइव होता है तो पापावरिन हमारा टाइरोसिन सिर्फ बायोजेनेटिकली डिराइव होता है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट है द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एनोमोसाइटिक और रेनन कुलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन जो हमारे रेनन कुलेशियस या फिर अनोमोसाइटिक टाइप के स्टोमेटा होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं डिजिटलिस में बुच्चू एंड लोवेलिया इन तीनों में ही हमें एनोमोसाइटिक या फिर रेनन कुलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलते हैं तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right हो जाएगा देन इसके पहले हमने एनिसोसाइटिक स्टोमेटा देखे थे एनिसोसाइटिक तो उसका हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में बेलाडोना हाफ लिख देता हूँ बेलाडोना ठीक है देन उसके बाद हमने देखा था डायासाइटिक स्टोमेटा एक हमने देखा था डायासाइटिक स्टोमेटा तो इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था बैसा का तो ये तीनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स आर आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ तो हमारे लिग्निफाइड टाइप के ट्राइकोम्स हमें किस में देखने को मिलते हैं तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है नक्स की next question हमारा आता है cruciferous stomata are characteristic of, तो cruciferous, uh, cruciferous stomata हमें किस ड्रग में देखने को मिलते हैं तो ये हमें गैलेडोना में देखने को मिलते हैं प्रीवियस लिग्निफाइड ट्राइकोम्स हमने देखे लिग्निफाइड ट्राइकोम्स हमारे नक्स भूमिका में आ गए क्रूसियस स्टोमेटा वेलाडोना में आ गए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हाइग्रीन इज जेनेटिकली डिराइव फ्रॉम तो हाइग्रीन जेनेटिकली हमें किससे डिराइव होता है तो हाइग्रीन जो है ऑर्निथिन अमाइनो एसिड से हम इसको डिराइव कर सकते हैं दे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैरेफाइलेशियस स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन तो कैरेफाइलेशियस टाइप के स्टोमेटा हमें किस में देखने को मिलते हैं तो ये हमें वेसाका में देखने को मिलते हैं ठीक है कैरियोफाइलेशियस स्टोमेटा को ही हम डायासाइटिक स्टोमेटा कहते हैं डायासाइटिक स्टोमेटा ठीक है तो डायासाइटिक स्टोमेटा या फिर हम बोले कैरियोफाइलेशियस स्टोमेटा तो ये हमें बैसाका में देखने को मिलते हैं और इससे पहले हमने देखा क्रूसीफेरेशियस क्रूशीफेरस स्टोमेटा वो बेलेडोना में ठीक है एंड एनिसोसाइटिक स्टोमेटा वो हमारे वेलेडोना में देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फाइबरस फ्रैक्चर तो फाइबरस फ्रैक्चर किस ड्रग में हमें देखने को मिलता है तो ये हमें देखने को मिलता है सिंकोना में ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच एल्कोलोइड गिव पॉजिटिव म्यूरेक्साइड टेस्ट इनमें से कौन सा अल्कोलोइड पॉजिटिव म्यूरेक्साइड टेस्ट देगा तो जो हमारे सीडो अल्कोलोइड्स हैं उनके लिए म्यूरेक्साइड टेस्ट होता है तो इनमें से जो भी हमारे जैसे प्योरिन अल्कोलोइड्स जो हैं वो हमारे सीडो अल्कोलोइड या फिर अमाइनो अल्कोलोइड्स हम जिन्हें बोलते हैं वो आते हैं तो ये हमें म्यूरेक्साइड टेस्ट पॉजिटिव देंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस अमाइनो अल्कलोइड तो इनमें से कौन से अमाइनो अल्कलोइड हैं तो अमाइनो अल्कलोइड होते हैं हमारे एफेड्रा एफेड्रा हमारा अमाइनो अल्कलोइड है द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर स्टीरोडल अल्कलोइड्स एक्सेप्ट तो इनमें से कौन सा स्टीरोडल अल्कलोइड नहीं है तो इसमें जो हमारा एकोनाइट होता है वो स्टीरोडल अल्कलोइड नहीं होता है, बाकी विराटरम कुर्ची डायोसजेन ये तीनों ही स्टीरोडल अल्कोलॉइड हैं तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट so क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द अल्कोलॉयड इज लिक्विड इन नेचर इनमें से कौन सा अल्कोलोइड लिक्विड इन नेचर है जिसका तो इसमें जो हमारा निकोटीन होता है उसका नेचर लिक्विड रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द प्रिकर्सर फॉर द बायोजेनिस ऑफ ट्रोपेन अल्कोलोइड इज तो ट्रोपेन एल्कोलोइड की बायोजेनेसिस के लिए मीन्स बायोसिंथेसिस के लिए कौन सा प्रिकर्सर होता है तो इसमें जो हमारा ऑर्निथिन है ऑर्निथिन ट्रोपेन अल्कोलोइड की बायोजेनेसिस या बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर है द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रिसर्पिन एंड डिसर्पिडिन डिफर ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ तो जो हमारा रिसर्पिन एंड डिसर्पिडन है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट दिफर, है तो जो इनका मिथौक्सी ग्रुप है C3 थ्री पोजिशन पर सी थ्री पोजिशन पर मिथौक्सी ग्रुप से ये डिफर करते हैं ठीक है रिसर्पिन में C3 थ्री पोजिशन पर मिथोक्सी ग्रुप रहता है पेंसरपिडेन में मिथौक्सी ग्रुप नहीं रहता है द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इडियोब्लास्ट ऑफ क्रिस्टल लेयर ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट इज अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ तो कैल्शियम ऑक्जीलेट की जो क्रिस्टल लेयर है उसमें इडियोब्लास्ट किसके डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं तो ये हमारे आते हैं सिंकोना वार्ग में तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अल्कोलोइड इन सिंकोना वार्क आर डिटरमाइन बाय तो अल्कोलोइड सिंकोना वार्क में किस मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं तो सिंकोना के लिए जो टेस्ट रहता है वो रहता है टेस्ट तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है XY, तो कैसे अपना एक्शन शो करता है तो ये इनहिबिटरी सेंटर जो होता है हमारा स्पाइनल कोड में उसको डिप्रेस करके स्ट्रिकनिन अपना एक्शन शो करता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग अल्कलोइड्स है स्टीरोडल स्ट्रक्चर तो इनमें से कौन सा अल्कलोइड में स्टीरोडल स्ट्रक्चर रहता है तो जो हमारा कोनेसिन है उसमें स्टीरोडल स्ट्रक्चर रहता है दे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सिंकोना अल्कलोइड्स विद बी आर टू वाटर एंड डिल्यूट अमोनिया गेव्स तो ये केमिकल रिएक्शन है जब हम थैलेक्विन थैलेक्विन के बारे में देखते हैं तो थैलिक्विन टेस्ट जो कि हमारा सिंकोना वार के लिए रहता है तो उसमें हमें एमराल्ड ग्रीन कलर देखने को मिलता है तो उसी की कंपोजिशन यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा थेलेक्विन टेस्ट में ब्रोमीन वाटर एंड डिल्यूट अमोनिया के साथ अल्कोलोइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एमराल्ड ग्रीन कलर मिलता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है प्लाज्मोडेस्मा इज प्रेजेंट इन तो प्लाज्मोडेस्मा हमें किस में देखने को मिलता है तो ये करेक्ट्रिस्टिक फीचर होता है नेक्स्ट बोमिका का तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्ट्रेटिफाइड कोर्क एंड स्कैटर्ड सीव टिश्यूज आर प्रेजेंट इन तो जो हमारे स्ट्रेटिफाइड कोर्क रहते हैं एंड स्कैटर्ड सीव टिश्यूज रहते हैं वो किस में प्रेजेंट रहते हैं उस ड्रग का हमें यहाँ पे नाम बताना है तो ये हमारे करेक्ट्रिस्टिक फीचर्स रहते हैं रो वोल्फिया के रो वोल्फिया में हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रेटिफाइड कोर्क एंड स्कैटर्ड सीव टिश्यूज द नेक्स्ट हमारा आता है एनावेसिन इज वायोजेनेटिकली डिराइव फ्रॉम तो हमारा जो एनावेसिन है वो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहता है तो वो हमें लाइसिन से बायोजेनेटिकली सिंथेसाइज होता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा तो ये क्वेश्चन है द दॉन केमिकल टू कॉज पॉलीपलोइडी इज तो हमारा बेस्ट नॉन केमिकल जो कि कॉज करता है वो होता है हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोलिप्लोइडी के रिलेटेड तो इसमें कोल्चीसिन इसका राइट right आंसर है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके लिए एम सी क्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच